देखिए, हर वर्ष की भांति हमने फुल प्रूफ इंतजाम किया हुआ है। इसमें पुलिस कमिश्नर महोदय श्री विकास अरोड़ा जी के डायरेक्शंस पे सभी एसीपी, एसएचओ, डीसीपी की मीटिंग ले ली गई थी और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। इसके लिए अलग से प्रोग्राम भी जारी हुआ है और इसमें लगभग 184 हमारे नहर पार जो जितने भी हमारे डेजिनेटेड जो रास्ता है वहाँ पे 184 पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। 10 पॉइंट्स एम्बुलेंसेज के लिए लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड लगाई गई है। फायर इसके अलावा ट्रैफिक में कहीं कोई दिक्कत आती है तो 5 पॉइंटों पे क्रेन भी लगाई गई है और डीसीपी ट्रैफिक साहब इसमें कोई भी एडवाइजरी बीच में जारी करेंगे तो अभी डीसीपी साहब आने के बाद वो ट्रैफिक के रिगार्डिंग भी एडवाइजरी जारी की जाएगी। सर, इसके अलावा बात करें तमाम जो रास्ते आपने बनाए हैं कौन कौन से रास्ते हैं और वहाँ पर क्या पुलिस तैनात रहेगी पूरे रास्ते? डेफिनेट, जो मुख्य मार्ग है हमारे यहाँ कालिंदी कुंड से एंट्री होती है शिव भक्तों की और नहर के साथ साथ डीग गांव तक चलती है, वो डेजिनेटेड रोड कर दिया गया है। आउटसाइड कोई भी व्हीकल्स नहीं आएगा उस पर, एक्सेप्ट किसी का घर हो वो एक एक्सेप्शन केस होगा, अदरवाइज हर पॉइंट पे ड्यूटी लगाई गई है और जहाँ से जो पुल बनते हैं सभी पुलों पे नाका लगाया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना पड़े शिव भक्तों।